यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 वचन 9। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 वचन 9 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु बता रहा है, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा तो वह उद्धार पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, वो भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इस वचन में जो द्वार बता रहा है, जो दरवाज़ा बता रहा है, वो स्वर्ग का द्वार है, द्वार है, स्वर्ग का दरवाज़ा है। ये अनंत जीवन का दरवाज़ा है और प्रभु खुद के बारे में बता रहा है कि मैं द्वार हूँ, मैं दरवाज़ा हूँ। यदि कोई इस दरवाजे से भीतर प्रवेश करेगा तो वह उद्धार पाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस धरती पर रहते समय हमें हमारा ध्यान उद्धार की ओर, अनंत जीवन की ओर लगा के रखना ज़रूरी है, क्योंकि इस धरती का हमारा जीवन पल भर का है, जिसके बारे में हम कुछ नहीं जान सकते हैं कि कितने दिन तक, कितने महीने तक, कितने समय तक हम यहाँ पर जिंदा रहने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। कोई नहीं जानता है कि मैं और 10 साल रहूँगा या 25 साल रहूँगा या 50 साल रहूँगा या 500 साल रहूँगा। ये मनुष्य का, धरती का जीवन पल भर का जीवन है। मनुष्य यहाँ आता है और निकल जाता है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ का जीवन खत्म होने के बाद हम कहाँ जाने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। अभी आप कहाँ रहते हैं, खुद के मकान में या किराए के मकान में? अभी आपका मकान एकदम छोटा सा है या बहुत बड़ा है, ये महत्वपूर्ण बात नहीं है, क्योंकि यहाँ के हमारे घर, यहाँ के हमारे मकान जिनमें हम पल भर के लिए रहने जा रहे हैं, मरने के बाद जो जिंदगी है वो कभी ख़त्म न होने वाली अनंत काल की जिंदगी है। और इसीलिए हमें उस जिंदगी के बारे में सोचना है कि मेरा अनंत काल मुझे कहाँ बिताना है, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं कहाँ जाऊँगी, अनंत काल मैं कहाँ रहने वाला हूँ, मैं कहाँ रहने वाली हूँ, ये महत्वपूर्ण बात है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोगों का ध्यान धरती के जीवन पे लगा हुआ है और यहीं पे सब कुछ पाने के लिए और यहीं पे खुशहाल जीवन जीने के लिए लोग कोशिश करते हैं। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जब धरती पर आया, उसने लोगों का ध्यान वहाँ लगाया, स्वर्ग की ओर, अनंत जीवन की ओर। यहाँ तुम पल भर के लिए हो, बाद में कहाँ जाओगे, तुम्हारा अनंत काल कहाँ बिताओगे? पूरी दुनिया एक बेहोश हालत में जीवन बिता रही है, कोई नहीं समझ रहे हैं कि कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, मेरे मरने के बाद क्या होने वाला है, कोई नहीं सोच रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों लोग पाप करते जा रहे हैं, क्यों लोग बुरा बर्ताव कर रहे हैं, क्यों एक दूसरे को लूट रहे हैं, फंसा रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, क्यों लोग बुरा बर्ताव कर रहे हैं? क्योंकि वे बस अभी का देखते हैं, उसके बाद का नहीं सोचते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
आज का अभी का लोग सोचते हैं, कल का सोचते नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाइबिल हमें अनंत जीवन की ओर अपना ध्यान लगाने के लिए कहती है, क्योंकि मनुष्य का, धरती का जीवन ये कुछ समय के लिए है, ये खत्म हो जाएगा और उसके बाद उसके अनंत जीवन की शुरुआत हो जाएगी। ये जीवन खत्म होने के बाद जहाँ कहीं मनुष्य पहुँचेगा, वहाँ पर वो हमेशा के लिए रहेगा। और इसीलिए तैयारी अभी करनी है कि मरने के बाद मुझे कहाँ पर जाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि आपके बच्चे छोटे रहते हैं तभी आप फिकर करते हैं, मेरे बेटे की शादी के लिए कुछ तो इकट्ठा करके रखना चाहिए, बेटे को अच्छी पढ़ाई कर देनी है तो उसके लिए पैसा इकट्ठा करना चाहिए। बच्चा अभी स्कूल में जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पर आप उसके 10 साल के बातों का इंतज़ाम कर रहे हैं। 10 साल के बाद उनके लिए ये ज़रूरी पड़ेगी, 10 साल के बाद उनके लिए पैसा ज़रूरी पड़ेगा और आप आज इंतज़ाम कर रहे हैं। यदि आप इस बात के लिए इतने गंभीर हैं तो मरने के बाद के जीवन के बारे में हमें कितना गंभीर होना ज़रूरी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ हम कितने भी चैन के साथ रहे, कितने भी खुशी से रहे, कितने भी आनंद से रहे, बहुत अच्छा अच्छा कपड़ा पहना, अच्छा अच्छा खाना खाया, जहाँ चाहे वहाँ घूम के आए, जो चाहे वो किया, मरने के बाद आत्मा का विनाश हो गया तो फ़ायदा क्या है। वैसे तो कोई मनुष्य अपने आप, अपने दिमाग से या अपनी ताकत से या अपने कर्म के द्वारा स्वर्ग में नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि बाइबल सिखाती है और ये सत्य है कि हर मनुष्य पापी है। हालेलुया, हालेलुया। भले काम करने से स्वर्ग में कोई नहीं पहुंच सकता है। हमने भले काम जरूर किए होंगे पर हमारे बुरे काम भले कामों से हमेशा बढ़कर होते हैं। कुछ कुछ लोग होते हैं जो कोई धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं और बहुत पैसा आने के बाद थोड़े से किधर गरीबों को मदद करते हैं, किसी को चावल बांटते हैं, किसी को कपड़ा बांटते हैं और उन्हें ऐसा लगता है हमने बहुत बड़ा भला काम किया है तो परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग खोल देगा। आपने 10 लोगों को या 100 गरीबों को कपड़ा बांटा है, चावल दिया है या कुछ अनाज दिया है, ये आपका भला काम एक तरफ रख दो। और आपने कितने लोगों को लूट कर, फंसा कर, अन्याय के साथ पैसा इकट्ठा किया है, वो बुरे कामों को दूसरे तरफ रख दो, देखो क्या होता है। हर मनुष्य चाहे वो कितना भी भला काम क्यों ना करता हो, उसके बुरे काम हमेशा ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए हमारे भले काम हमें नहीं बचा सकते हैं। यदि भले कामों के द्वारा मनुष्य बच जाता तो परमेश्वर के पुत्र को स्वर्ग को छोड़ना ना पड़ता और वो धरती पर ना आ जाता। यदि हमारे कर्म, हमारे काम हमें बचा सकते हैं तो क्यों परमेश्वर के पुत्र ने स्वर्ग को छोड़ दिया और क्यों वो धरती पर आ गया और क्यों उसने लहू बहाकर अपना बलिदान कर दिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सब पापी हैं, हमें मुक्तिदाता की ज़रूरत है, हमें बचाने वाले की ज़रूरत है। हम अपने कामों के द्वारा अपने आप को नहीं बचा सकते हैं और इसीलिए परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इंसान बनकर धरती पर आया, हमारे पापों का दंड उसने लिया और वो हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हो गया ताकि उस पर विश्वास करने के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिल जाए, उसके पवित्र लहू में हमारे पापों को मिटाया जाए ताकि हम इस लायक बन जाए, इस योग्य बन जाए कि ये जीवन खत्म होने के बाद हम स्वर्ग में पहुँचे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए प्रभु बोल रहा है, द्वार मैं हूँ, दरवाजा मैं हूँ। यदि आप अनंत जीवन में
पहुंचना चाहते हैं, स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हैं, तो आपको मेरे द्वारा भीतर आना पड़ेगा, क्योंकि मैं ही अनंत जीवन का दरवाजा हूँ, मैं ही अनंत जीवन का द्वार हूँ। जो कोई मेरे द्वारा भीतर जाएगा वो उद्धार पाएगा, यानी उसे पापों की क्षमा मिल जाएगी। प्रभु कहता है कि वो भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा, यानी जो मेरे द्वारा अंदर आएगा उसको आत्मिक भोजन मिल जाएगा, आत्मिक खाना मिल जाएगा, जिसके कारण उसकी आत्मा हमेशा के लिए तृप्त हो जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हमें उद्धार पाना है, हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हमें यीशु पर विश्वास करके पापों की क्षमा पानी है, अपने आप को साफ करना है, अपने आप को शुद्ध करना है, अपने आप को धर्मी बनाना है, अपने आप को पवित्र बनाना है, क्योंकि धरती का हमारा जीवन पल भर का है। यहाँ हम कितने अमीर है, यहाँ हमें कितना मान सम्मान है, ये कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल में वो बहुत महत्वपूर्ण घटना बताई गई है जो कि प्रभु ने खुद बताई, और कई सारे लोग मानते हैं कि ये ऐसी एक कहानी है, पर ये सच बात है, ये कहानी नहीं है, क्योंकि प्रभु ने खुद ये बात बताई है। एक अमीर मनुष्य और एक गरीब मनुष्य। अमीर मनुष्य का नाम प्रभु ने बताया नहीं, गरीब मनुष्य का नाम बताया, लाजर। ये लाजर जो बहुत गरीब था और बीमार था, वो मृत्यु होने के बाद कहाँ चला गया, और ये अमीर मनुष्य जिसका नाम नहीं बताया गया है, प्रभु के एक दास कहते हैं, प्रभु ने इसीलिए उसका नाम नहीं बताया कि उस जमाने में जब प्रभु ये घटना बता रहा था तो शायद हो सकता है अमीर मनुष्य के रिश्तेदार वहाँ आसपास होंगे, वहाँ जीवित होंगे, और उनको बुरा लगेगा कि हमारा ये मनुष्य नरक में चला गया। इसलिए प्रभु ने उस अमीर मनुष्य का नाम नहीं बताया, बल्कि गरीब मनुष्य का नाम बताया। लाजर मरने के बाद स्वर्ग दूतों ने उसको उठाया और वे उसे ऊपर लेकर गए आसमान में, जहां परमेश्वर का धर्मी मनुष्य है अब्राहम, उसके बाजू में उसको जाकर बिठाया। जो गरीब था, भिखारी की तरह जी रहा था, और जो बंगले में अमेरिका जीवन जी रहा था, वो मरने के बाद उसकी आत्मा अधोलोक में गई, जहाँ पर वो अग्नि में तड़पते रह गया, और जब आँखें उठाकर ऊपर देखा तो उसे बड़ा अचंभा हो गया कि ये तो भिखारी था, गरीब बीमार भिखारी, ये अब इस स्वर्ग में है, और मैं जो अमीर मनुष्य था, बंगले में रहा करता था, मेरी हालत क्या हो गई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर मनुष्य को सोचना चाहिए, चाहे वो भारत का रहने वाला हो या अमेरिका का रहने वाला हो, इंग्लैंड का रहने वाला हो या जापान का रहने वाला हो, हर मनुष्य को ये सोचना ज़रूरी है, मरने के बाद मैं कहाँ जाने वाला हूँ, मरने के बाद मेरा अंतिम ठिकाना क्या है, मैं कहाँ पहुँचूँगा, मेरा अनंत काल मुझे कहाँ पर बिताना है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये दुनिया की अंत की घड़ी है, और इन दिनों में परमेश्वर मनुष्यों को जगाने की कोशिश कर रहा है, हिला रहा है, जगा रहा है, और मनुष्यों को बोल रहा है, अभी तो होश पे आ जाओ, अभी तो होश पे आ जाओ, सब कुछ खत्म हो रहा है, अभी क्यों सोते रहते हैं, क्यों बेहोश हालत में है, होश पे आ जाओ, जाग जाओ, कहाँ जाओगे, कहाँ पहुँचोगे, क्या हो जाएगा। परमेश्वर दुनिया को हिला रहा है, पर लोग इतने बेहोश हो गए हैं कि उनको जाग नहीं आ रही है, नहीं जाग रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज भी बुरे लोग बुरे काम कर रहे हैं, रिश्वत लेने वाले रिश्वत ले रहे हैं, चोरी करने वाले चोरी कर रहे हैं, झूठ बोलने वाले झूठ बोल रहे हैं, दूसरों पर अन्याय करने वाले अन्याय कर रहे हैं, दूसरों को लूटने वाले लूट रहे हैं, हर एक ने अपना अपना बुरा काम चालू रखा है, नहीं जानते हैं कि ये जीवन पल भर का है। हालेलुया, 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 हालेलुया।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु बोल रहा है मैं द्वार हूँ, हमें उसके द्वारा अंदर जाना चाहिए। प्रभु यीशु ने एक बार साफ कह दिया था, मार्ग सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, मेरे द्वारा आए बगैर कोई भी पिता के पास अर्थात परमेश्वर के पास नहीं पहुँच सकता है। हम सब पापी है, मनुष्य पापी है और अपने पापों को लेकर परमेश्वर के सामने हम खड़े नहीं रह सकते हैं। जब हमारे पहले माँ बाप आदम और हव्वा ने पाप किया था, तब से लेकर आज के दिन तक मनुष्य, हर एक मनुष्य जो धरती पर पैदा होता है वो पाप करता है और पाप के कारण पवित्र परमेश्वर से उसका रिश्ता टूट जाता है। हमें बचाने वाले की ज़रूरत है, हमें मुक्तिदाता की ज़रूरत है, हमें पापों से छुड़ाने वाले की ज़रूरत है और वो यीशु है जिसने हमें पापों से छुड़ाया है। वो यीशु है जिसने हमारे पापों का दंड लिया है। वो यीशु है जिसने हमें बचाया है और इसलिए वो बोल रहा है मैं द्वार हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर जाएगा तो वह उद्धार पाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वर्ग जाने का दूसरा रास्ता दुनिया में उपलब्ध नहीं है। हम दूसरे किसी भी रास्ते से जाके उद्धार नहीं पा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप कितने भी भले काम क्यों ना करो, कितने भी भले काम तो भी आप उद्धार नहीं पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम अपने जीवन में भले काम करें, अच्छे काम करें, ये परमेश्वर की इच्छा है। पर ये भले काम हमें नहीं बचा सकते हैं, हमें बचाने वाला मुक्तिदाता यीशु मसीह है, हमें बचाने वाला उद्धारकर्ता यीशु मसीह है। उसने यदि हमें पापों की क्षमा दी तो हम बच जाएंगे, यदि उसने पापों की क्षमा नहीं दी तो हम नहीं बच सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम बाइबल में घटना पढ़ते हैं जब प्रभु यीशु के पास ऐसी औरत को लाया गया था जिसको व्यभिचार करते हुए पकड़ा गया था। लोग उसको पत्थरवाह करके जान से मार डालना चाहते थे क्योंकि मूसा के व्यवस्था के अनुसार उनको ये आज्ञा दी गई थी। ये लोग उस औरत को लेकर प्रभु के पास आ गए और प्रभु से पूछना चाह रहे थे। वे प्रभु को सवाल कर रहे थे कि हमारी व्यवस्था कहती है कि हम इसे पत्थरवाह करके मार डालें, तुम्हारा क्या कहना है, तुम क्या बोल रहे हो? मूसा ने हमें आज्ञा देकर रखी है कि ऐसे लोगों को जान से मार डालना चाहिए, तुम्हारा क्या कहना है? और प्रभु ने थोड़े समय के लिए कुछ जवाब नहीं दिया, पर बाइबिल कहती है वे बार बार पूछते ही रह गए, बार बार बोलते रह गए। फिर प्रभु ने जवाब दिया, एक ही वाक्य कहा, तुम में से जिसने पाप न किया हो, जो निष्पाप हो, वह उस पर पहला पत्थर मारे। और जैसे ही प्रभु ने एक वाक्य में जवाब दिया, जैसे ही प्रभु ने एक वाक्य में जवाब दिया कि तुम में से जो निष्पाप हो वहां इसको पहला पत्थर मारे, बाइबिल कहती है सबके सब वहां से निकल गए, बूढ़े से लेकर जवान तक, छोटे तक, सारे लोग वहाँ से निकल गए। किसी ने उसको पत्थर नहीं मारा, किसी ने उसको दंड नहीं दिया। सारे लोग निकल जाने के बाद प्रभु उस औरत को कहता है, क्या तुझे किसी ने दंड नहीं किया, किसी ने तुझे पत्थर वहाँ नहीं किया? वो कहती है नहीं प्रभु जी। प्रभु उससे कहता है मैं भी तुझे दंड नहीं देता, जा अब से पाप मत कर। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने जो इस औरत को कहा, मैं भी तुझे दंड नहीं देता, जा अब से पाप मत कर, ये वाक्य दुनिया के हर मनुष्य के लिए प्रभु ने बोलना जरूरी है। आपके लिए, मेरे लिए प्रभु ने इस महान वाक्य को बोलना जरूरी है, मैं तुझे दंड नहीं देता। जिस मनुष्य को लकवे की बीमारी हुई थी और लोगों ने उसको प्रभु के सामने लाया था, प्रभु ने उसको कहा, बेटे ढाड़स बांध, तेरे पाप क्षमा हो गए हैं, तेरे पाप क्षमा हो गए हैं। दुनिया का खूबसूरत संदेश है क्योंकि मनुष्य को बस इसी की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सोचते होंगे मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है तो मुझे पहले मोटरसाइकिल की ज़रूरत है,
मेरे पास खुद का मकान नहीं है तो मेरे पास पहले खुद का मकान होना ज़रूरी है। कोई कहेंगे कि मैं नौकरी तो करता हूँ पर तनख्वाह ठीक नहीं है, मुझे एक बड़े तनख्वाह की नौकरी मिलने की ज़रूरत है। मैं आपको बता दूँ, आपको इस वाक्य की ज़रूरत है कि प्रभु आपसे कहे, बेटी तेरे पाप क्षमा हो गए, बेटे तेरे पाप क्षमा हो गए। ज़रूरत इस बात की है, पापों की क्षमा की और उद्धार की। पापों की क्षमा और उद्धार की ज़रूरत है और किसी की ज़रूरत नहीं है। आपकी मोटरसाइकिल यहीं पे रहेगी, आपका घर, बंगला, गाड़ी, ज़मीन, पैसा, सोना चांदी सब कुछ यहीं पे रहेगा। जो लोग आज आपको सम्मान दे रहे हैं वे भी आपको नहीं बचा सकते हैं। बचाने वाला एक ही है, जिसने हमारे लिए क्रूस पर बलिदान दिया है, जिसने हमारे लिए लहू बहाया है, जिसने हमारा पूरा की पूरा दंड लिया है, वो ही हमें बचा सकता है। ना हमारे कोई रिश्तेदार, ना माँ बाप, ना कोई मनुष्य हमें बचा सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पापों की क्षमा की ज़रूरत है, उद्धार की ज़रूरत है। बेटे तेरे पापों की क्षमा हो गई है, मैं भी तुझे दंड नहीं देता। ये वाक्य प्रभु ने हमारे लिए बोलने चाहिए। जक्कई के बारे में प्रभु ने कहा था, जब इस पापी मनुष्य ने अपना दिल बदल डाला, प्रभु कहता है आज इस घराने का उद्धार हो गया है। उद्धार प्रभु क्या दे रहा है, क्या बांट रहा है? पापों की क्षमा बांट रहा है, उद्धार को बांट रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो क्या देना चाहता है? पापों की क्षमा देना चाहता है, उद्धार देना चाहता है। आपके लिए, मेरे लिए और दुनिया के हर मनुष्य के लिए ये ज़रूरी है। हमें पापों की क्षमा मिलनी ज़रूरी है, उद्धार मिलना ज़रूरी है। यदि पापों की क्षमा मिल गई और हमारा उद्धार हो गया तो हमें किसी भी बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आपको पापों की क्षमा मिल गई है और आपका उद्धार हो गया है, आप दुनिया के सबसे खुश व्यक्ति है, अमीर व्यक्ति है। क्योंकि अभी इसी घड़ी भी आपकी सांस रुक गई और धरती का आपका जीवन ख़त्म हो गया तो अगले पल आप परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिन्हें पापों की क्षमा नहीं मिल गई है और जिनका उद्धार नहीं हो गया है, वे कहाँ गए हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। बाइबिल कहती है वे नरक में जाते हैं, अनंत काल तड़पते हैं, क्योंकि मरने के बाद पापों की क्षमा उपलब्ध नहीं है। मरने के बाद उद्धार उपलब्ध नहीं है। हम मरने के बाद एहसास करेंगे कि हमें पापों की क्षमा की ज़रूरत थी, हमने धरती पर रहते हुए पश्चाताप नहीं किया है। अभी करेंगे, अभी प्रभु पे भरोसा करेंगे? नहीं। समय तब तक है जब तक आप इस धरती पर जीवित है। एक पल ऐसा आ जाएगा जब आपका यहाँ का जीवन ख़त्म हो जाएगा, मौका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ना पापों की क्षमा, ना उद्धार, कुछ भी परमेश्वर का अनुग्रह उपलब्ध नहीं रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए कल, परसों, एक साल के बाद, दो साल के बाद ऐसा मत कहो। जब आप प्रभु का सुसमाचार सुनते हैं, आप उस पर विश्वास करके पश्चाताप करो, पापों की क्षमा पाओ और उद्धार पाओ। आपने पापों की क्षमा पाई है, उद्धार पाया है, तो भी आपके हाथ से पाप होते जाते हैं। आप अपने आप को बदलने की और सुधारने की कोशिश करते जाओ, और जब जब आपके हाथ से पाप होते हैं तुरंत पश्चाताप करके पापों की क्षमा पाओ। क्योंकि पापों की क्षमा ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, उद्धार महत्वपूर्ण बात है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा है कि मनुष्य ने पूरे संसार को प्राप्त किया पर अपनी आत्मा को गवाया तो उसे क्या लाभ है। हम दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए, मरने के बाद नरक में गए तो फायदा क्या है? लोग बस यही देख रहे हैं, पैसा कितना इकट्ठा हो गया, जायदाद कितनी इकट्ठा हो गई, ये नहीं सोच रहे हैं कि ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा।
हालेलुया। यदि आपके पास पैसा नहीं है, सोना चांदी नहीं है, ना ही खुद का मकान होगा, तो भी यदि आपके दिल में शांति है तो आप धन्य लोग हैं, आप आशीषित लोग हैं, क्योंकि ये शांति हमें तब मिलती है जब हमें परमेश्वर की ओर से पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत महीने पहले की बात है, आप में से कई लोगों ने ये गवाही सुनी होगी कि एक भाई ने ऐसी गवाही दी थी। जब हमारी प्रार्थना उस पुराने हॉल पे चल रही थी, ये भाई अपना टेम्पो लेकर हाईवे से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने अपने प्रार्थना घर का नाम पढ़ा और ये सोचा कि जरा अंदर जाके देखूँ तो क्या है, और उन्होंने अपना टेम्पो वहीं पे एक तरफ रुकाया, वे अंदर आ गए। जब ये भाई अंदर आ गए, तब उस समय हॉल में प्रवचन शुरू था और प्रवचन में बिल्कुल यही बताया जा रहा था कि जब आपको पापों की क्षमा मिलेगी तब आपके दिल में बड़ी शांति आ जाएगी और ये सबूत रहेगा कि प्रभु ने आपको पापों की क्षमा दिलाई है। ये भाई ने सुना और उसने कहा, मैंने उसी दिन प्रार्थना के वक्त अपने पापों का पश्चाताप किया क्योंकि मेरे दिल में ज़रा भी शांति नहीं थी, और मैंने जो प्रवचन में सुना उसके द्वारा मुझे ऐसे लगा कि मुझे ही शांति की ज़रूरत है, और प्रार्थना के दौरान मैंने पश्चाताप किया, प्रभु के पास माफ़ी मांगी, यीशु पर विश्वास किया और उसी घड़ी मेरे दिल में बहुत बड़ी शांति आ गई। तब से लेकर आज के दिन तक मेरे दिल में शांति है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने अपने चेलों को शांति का वादा किया था, शांति का। ऐसा नहीं है कि यीशु पर विश्वास करने के बाद आपके जीवन में बीमारी नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी, संकट नहीं आएंगे, दुख तो आते जाएंगे। प्रभु ने वादा शांति का किया था, मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा। पापों की क्षमा जब हो जाती है, सबसे पहली बात होती है हमारे दिल में शांति आ जाती है। जैसे कुछ अंदर उलझन हो रही थी, जैसे कुछ तो हो रहा था, अभी अचानक सब कुछ शांत हो गया, यानी प्रभु ने हमारे पापों को मिटा दिया, हमारे पापों को निकाल दिया और हमेशा हमेशा के लिए क्षमा कर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब कोई बेटा बहुत बुरा काम करता है तब हमेशा उसको अपने पिताजी का डर रहता है। शाम को पिताजी घर आने से पहले वो कहीं तो निकल जाता है या कहीं तो छिपने की कोशिश करता है। जब तक वो उस हालत में है, हमेशा उसके दिल में उलझन रहती है, मैं पिताजी के सामने नहीं आ सकता हूँ, पिताजी मुझे डांटेंगे, ये वो बहुत सारी बातें उसके मन में होती रहती है। जब पिताजी को उसके गलती के बारे में पता चलता है और पिताजी मान भी लेते हैं और ये सोचते हैं चलो जाने दो, मेरे बेटे ने गलती कर दिया है पर मैं उसको माफ़ कर देता हूँ, और पिताजी जब बड़े प्यार से उसको पुकारते हैं, बड़े प्यार से उसको आवाज़ देते हैं, तो बेटा जहाँ कहीं छिपा है वहाँ से आता है और पापा के गोद में जाता है, तब उसके दिल में बड़ी खुशी और शांति होती है। बिल्कुल वही खुशी हमें तब मिलती है जब प्रभु हमें कहता है, बेटा तेरे पाप क्षमा हो गए, बेटी तेरे पाप क्षमा हो गए, मैं तुझे दंड नहीं देता, मैंने तुझे क्षमा कर दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पापों की क्षमा पाओ, उद्धार को पाओ और उस उद्धार को चिपके रहो, क्योंकि हमारे लिए पैसा सोना चांदी महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए स्वर्ग का प्रवेश महत्वपूर्ण है। यहाँ हम मेहमान हैं, ये जिंदगी खत्म हो जाएगी, मरने के बाद जो जिंदगी है वो हमें परमेश्वर के साथ बितानी है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ भी जिंदगी भर पाप करते जाएंगे, बुरे काम करते जाएंगे और मरने के बाद अनंत काल नरक में जाकर उस दुष्ट शैतान के साथ रहेंगे, फायदा ही क्या है। बदल जाओ, अपने आप को बदलो, यानी अपने दिल को बदल डालो, प्रभु यीशु पर पूरा विश्वास करो और उसका हाथ मजबूती से पकड़ो, क्योंकि वही दरवाजा है। वो कहता है मैं ही द्वार हूँ, यदि उसका हाथ पकड़ के रखेंगे तो वो जहाँ जा रहा है वहाँ आपको भी साथ लेकर जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी
मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके शरीर के जिस भाग पर बीमारी है, पूरे विश्वास के साथ वहाँ पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पे हाथ रखो। पूरा विश्वास करो कि प्रभु यीशु अभी आपको छूकर ठीक करेगा। प्रभु यीशु अभी आपको छूकर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन का सारा दुख प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाली सारी अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन से निकल जाए। सारे शैतान के बंधन आपके जीवन से टूट जाए। हर दुष्टात्मा को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। आपका जीवन परमेश्वर के आशीषों से भर जाए। स्वर्ग की शांति और स्वर्ग की खुशी पवित्र आत्मा आपके दिल में भर दे। आमीन।